फाइनली हमारा लोटस डिजर्ट शॉट रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, ठीक होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है तो अच्छी अच्छी रेसिपी राशिद भाई आपके लिए ला रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। और जो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है तो आप तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ला रहा हूँ। जो मेरी बहनें सीख रही हैं, नई नई सीख रही हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, उनका दिल करता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने जो रिलेटिव आ रहे हैं उनके ससुराल लिए वालों के लिए अच्छे से जो है ना खाने बनाएं, अच्छे से रेसिपी वाले अच्छी सी डिज़र्ट बनाएं। तो राशिद भाई है ना, तो राशिद भाई आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रेसिपी ला रहा है तो मेरे पेज ससुराल के। को खुश कर देने वाली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बहुत अच्छे आप खाने खिलाएंगे, तो ज़रूर आपके घर वाले, आपके खावंद और जितने रिश्तेदार हैं ज़रूर तारीफ़ करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं छोटा सा आपके लिए डिज़र्ट, लोटस लोटस डिज़र्ट शॉट लाया हूँ छोटा सा। ये ज़्यादातर आप रमज़ान में भी, ईद में भी किसी को इफ्तारी दे रहे हैं तो छोटे छोटे बनाकर कप में डालकर डिज़र्ट ये दे सकते हैं। है ये छोटा सा डिज़र्ट लेकिन बहुत मज़े का, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। लोटस चाहिए आपको तकरीबन 120 ग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए चीज़ी क्रीम, ठीक है, ये आपको चाहिए। ये भी 120 ग्राम चाहिए, नहीं नहीं सॉरी, ये 150 ग्राम चाहिए। और इसके अंदर मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है, वो तकरीबन आपको चाहिए 80 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए डबल क्रीम 250 ग्राम, ठीक है। वनीला एसन हम 1 टीस्पून डालेंगे और 20 ग्राम मैंने मेल्ट किया हुआ है बटर अनसॉल्टेड, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना बिस्किट हमने क्रश कर लेने, ठीक है। तो इसकी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। अच्छा बटर हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये चीज़ी क्रीम और जो कंडेंस्ड मिल्क है। अब हम इसमें डबल क्रीम ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद हम वनीला एसेंस मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा, 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये फ्लफी हो जाएगा, जब फ्लफी हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। अच्छा ये तकरीबन हो गया, अब हम इसको थोड़ा फोर कर लेंगे। ठीक है ये तकरीबन रेडी हो गया। अब जो लोटस हमने बचा कर रखा था 2 स्पून 2 स्पून, वो इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको हाथ से मिक्स करना है, मेक श्योर हाथ से करना है, अगर हाथ से नहीं करेंगे तो ये हाथ से उस मशीन से नहीं करेंगे, ठीक है, मैनुअल करेंगे।
अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और मज़ेदार बन रहा है, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और राशिद भाई को याद करेंगे इंशाल्लाह। राशिद भाई जो भी आपको रेसिपी देता है, जो भी बताता है, और वो जेन्युइन रेसिपी होती है, कोई उसमें ये नहीं है, कोई कुछ लोग होते हैं अपनी चीज़ें छुपा लेते हैं और सही नहीं बताते, तो जब आप बनाते हैं घर में ट्राई करते हैं तो अच्छी तरह नहीं बनती। लेकिन राशिद भाई की जो भी रेसिपी आप बनाएंगे घर में तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे कमेंट में बताना है आपको ये कैसी लगी है। अच्छा ये हो गया, अब अच्छा अब हम इसमें ये ऐड कर लेंगे सारा। तो ये हम डालने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने इस तरह डाल लेनी है। आप ये छोटे जो प्लास्टिक कप होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर है, किसी को आप घर में बेचते हैं या बच्चों के डिज़र्ट पेश करते हैं तो इसको अच्छी तरह से आपने पुश कर लेना है। अब हम इस क्रीम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा जी, फाइनली हमारा लोटस डिजर्ट शॉट रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये छोटे प्लास्टिक के कप मिलते हैं जो डिजर्ट उसमें भी डाल सकते हैं और उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मेरे पास बस ये कप था तो मैं इसमें मैंने ये, अगर आप घर में कोई मेहमान आ जाते तो उसको आप जो है ना सर्व कर सकते सेव हैं। कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आपको डिजर्ट शॉट पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी रेसिपी, अच्छे अच्छे डिजर्ट और अच्छी रेसिपी आपको और देता रहूँगा, बताता रहूँगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मैंने भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूंगा इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह नेकबान।